हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रैंकर्स कैरियर पॉइंट में। जैसा कि मैंने आपको बल्ब कॉन्सेप्ट बता दिया था, मतलब हमारा यहाँ पे सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस दोनों कंप्लीट हो चुका था। अब हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिक्स कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस। कैसे हम लोग जो है फिलहाल रेजिस्टेंस का मिक्स कनेक्शन कैसे हम लोग देखेंगे, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपको सीरीज़ कनेक्शन आता है, पैरेलल कनेक्शन आता है, ये दोनों आपने अच्छे से समझ लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको मिक्स कनेक्शन देखने में, मिक्स कनेक्शन को समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि मिक्स नाम से ही स्पष्ट है कि आपको जो सीरीज़ कनेक्शन बताया गया और जो पैरेलल कनेक्शन आपको बताया गया, कहीं ना कहीं उन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है ना। अगर आपको सीरीज आता है और पैरेलल आता है तो आप बहुत सिंपल तरीके से इसको देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। केस यहाँ पे हम बना के पढ़ेंगे, दो केस में हो सकता है। केस फर्स्ट हम लोग बनाएंगे पहले कि हो क्या सकता है। पहला केस कि हो ऐसा सकता है कि पहले रेजिस्टेंसेस क्या हों, सीरीज में लगे हों, उसके बाद समांतर में लगे हों, पहला केस हो सकता है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि पहले उनको समांतर में जोड़ा गया और फिर सीरीज में जोड़ा गया हो। तो पहला केस हम लोग लेकर के चलते हैं कि सीरीज पहले सीरीज में जुड़े हैं, उसके बाद फिर पैरेलल में जुड़े हैं। मतलब सीरीज में पहले, मतलब मान लीजिए हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, आर वन आर टू और ये आर थ्री और आर फोर। अब आप देखिए ये केस हमारा फर्स्ट है, ये हमारे पास आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है और ये आर फोर है। ये अब आपका आपसे कहेगा कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। क्या बताइए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैं आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा। एक बार टॉपिक कंप्लीट होने दीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और आए हुए क्वेश्चन भी कराऊंगा। यहाँ पे अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको ये पता है कि सीरीज कनेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब आप देखिए R1 और R2 अगर इन दोनों को देखें तो सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे मान लें एक न्यू रेजिस्टेंस R डैश, तो इसको बराबर R1 प्लस R2, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका देख लीजिए, R डबल डैश मान लीजिए R3 प्लस R4। अब यहाँ पे एक आपका सर्किट बन के आ जाएगा जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट R डैश और इन दोनों का इक्विवेलेंट R डबल डैश। पहले आपने सीरीज में कैलकुलेट कर लिया, अब फाइनली R इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि यदि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो तो R डैश इंटू R डबल डैश अपान R डैश प्लस R डबल डैश। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने सीरीज को कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको। चलिए अगला केस देखते हैं, अभी इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। अगला केस देखते हैं कि पहले हमारे पास रेजिस्टेंसेस क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं। पहले रेजिस्टेंसेस किस सीक्वेंस में लगे हैं, पैरेलल में, उसके बाद ये सीरीज में लगे हुए हैं, उसके बाद सीरीज में लगे हुए हैं। अब यहाँ से हमें इक्विवेलेंट निकालना है, क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिएगा क्या है, यहाँ पे हमारे पास है R1 R2 R3 R4। अब देखिए पहले ये पैरेलल में लगे हैं, उसके बाद सीरीज में है, तो सबसे पहले हम लोग इसका पैरेलल निकालेंगे। तो इसको R डैश मान लेते हैं, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो कैसे होगा, R1 R2 अपान R1 प्लस R2। इसी तरीके से इसको मान लेते हैं R डबल डैश R3 R4 अपान R3 प्लस R4, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, इसलिए मैं इसमें तेज चल रहा हूँ, ज़्यादा हम लोग फिलहाल इस पर ज़्यादा डीप नहीं इसमें कुछ जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हम फास्ट चल रहे हैं। अब हमारे पास इसकी जगह पर एक रेजिस्टेंस आएगा R डैश और इसकी जगह पर एक रेजिस्टेंस आएगा R डबल डैश, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे, यहाँ R डैश यहाँ R डबल डैश, ये हमारे पास ये R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। अब R इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो R डैश प्लस R डबल डैश, वेरी सिंपल। आपको दोनों केस समझ में आ गया, ठीक है ना।
अब इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जिसको देख करके आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हम कैसे इसको जो है कैलकुलेट करें। ध्यान रखिएगा, जब भी हमसे कभी रेजिस्टेंस कैलकुलेशन की बात करता है, एक्सेप्ट द थ्योरम, हम थ्योरम की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग थ्योरम पे पहुंचे भी नहीं हैं। जब कभी भी हमसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोले तो उसका जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, वो एक अलग प्रोसेस है। और जब थ्योरम के माध्यम से पूछता है कि आरटीएच निकालिए, आरएन निकालिए, आरटीएच बोले तो थेवनिन रेजिस्टेंस, आरएन नॉर्टन रेजिस्टेंस, ये सब जब पूछता है तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है नॉर्मल की तुलना में। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेशन की बात करना है, थ्योरम पे आएंगे तो वहाँ पे इतना बेहतरीन आपको बताएंगे कि आरटीएच और जो आरएन आप कैलकुलेट करते हैं उसके लिए कभी पेन उठाना ही नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चन को देखेंगे एग्जाम में, फटाफट आपका माइंड सेट एकदम क्लियर रहेगा, आप तुरंत उसको कैलकुलेट कर लेंगे। बस उसके पहले आपको सीरीज पैरेलल मिक्स कनेक्शन के अच्छे से क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन ले करके भी देख लेते हैं। हम एक क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेंगे। डिफरेंट टाइप का क्या मतलब है? डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन का मतलब है कि हम थोड़ा सा हटके लेते हैं, वो भी एक समझाने के लिए आपको लिया जा रहा है क्वेश्चन। हम इसको आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपको फिगर कैसे देखने को मिलता है और कैसे आप स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस कैलकुलेशन को। तो हम बहुत सिंपल सा डेटा लेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएं। बहुत सिंपल सा डेटा हम लेने वाले हैं। दिस इज योर 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इसको 6 ओम मान लीजिए, ठीक है ना। ये आपके पास एक सर्किट है, ये आपका ए है और बी है। आपसे कहेगा ए और बी के बीच आर ए बी निकालिए, या इसी को बोल सकता है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी टर्मिनल के मध्य निकालिए। अब इसी सर्किट को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब उसके तरीके क्या क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इसके तरीके क्या क्या हैं, देखिए सबसे पहला तरीका आपको ध्यान में रखना है कि जिस टर्मिनल के क्रॉस आपसे कहेगा कि आप इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए, तो आपको ध्यान में रखना है रेजिस्टेंस कैलकुलेशन हम जस्ट उसके अपोजिट से स्टार्ट करेंगे। अपोजिट का क्या मतलब है, हम लोग जो एकदम लास्ट ब्रांच होगा वहां से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो कंपोनेंट लगे हैं उनका सीक्वेंस क्या है, और वहां से देखते देखते हम इधर की तरफ बढ़ेंगे, आर ए बी की तरफ, है ना। अगर हमारा यही चीज इधर कहीं कहा होता तो हम इधर से शुरू करते। कहने का मतलब क्या है कि जब भी किसी ब्रांच से कैलकुलेट करने को रेजिस्टेंस बोला जाता है तो वहां पे बहुत बेसिक सा हमें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होता है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में क्या रखना होता है कि हमारा जहाँ जिस टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोला है वहाँ कोई सोर्स लगा है, और हमें सोर्स के हमेशा अपोजिट से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये ए बी है, हम इसके अपोजिट से चलेंगे। हम जब आरटीएच वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताएंगे। थोड़ा सा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं दोनों में, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमें यहाँ पर निकालना है तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से। लास्ट ब्रांच हमारा यही है। अब आप बताइए ये दोनों ब्रांच किस सीक्वेंस में लगे हैं। अगर कोई करंट यहाँ जा रही है वही करंट सेम इसमें जाएगी, मतलब 2 ओम में जो करंट रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगी वही 4 ओम में भी जाएगी। मतलब अगर इन दोनों ब्रांचेज में करंट सेम जा रही है तो क्या ये सीरीज में है? बिल्कुल है, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज कनेक्शन में करंट कभी भी डिवाइड नहीं होती है। सेम करंट उन सारी ब्रांचेज में जाती हैं जितनी ब्रांचेज क्या है, सीरीज में लगी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ कंफर्म हो गया आपको। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, आर डैश इज इक्वल टू 2 प्लस 4, कितना हो गया, 6। अब हम ध्यान रखें, हम एक नया सर्किट डिजाइन करेंगे। ये जो आया 6 ओम, ये इसके पैरलर में हो जाएगा, ये 6 ओम, यहाँ पे हमारे पास 3 ओम और ये 6 ओम ऑलरेडी है। अब ये दोनों आप देखिए, यही दोनों एक लास्ट ब्रांच है इसके बाद का। अब इन दोनों को आप देखिए तो ये दोनों पैरलर में दिख रहे हैं, ये दोनों किस क्रम में दिख रहे हैं, पैरलर में दिख रहे हैं। तो इसका पैरलर आप निकालेंगे, तो पैरलर देखते हैं आर डबल डैश, इसका पैरलर आप निकालेंगे तो 3 इंटू 6 अपान
नाइन, 6 + 3 ये आपको देखने को मिल जाएगा 2 ओम R double dash, ठीक है ना। अब फाइनली हमारा एक और सर्किट बनेगा, सर्किट एक और क्या बनेगा, ये 6 ओम और इन दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ पे लग जाएगा, ये 6 ओम और ये 2, ठीक है ना। अब R इक्विवेलेंट निकालना है तो अब बताओ इस ये किस सीक्वेंस में, सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 + 2 इज इक्वल टू 8 ओम। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, मिक्स कनेक्शन पे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है, मैं इसी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करके और तरीके से दिखाता हूँ। अभी आप कहेंगे जी सर बिल्कुल ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा अभी आपने हमको समझाया, कैसे देखिएगा, जो हमने केस आपको समझा रखा है ये कहीं ना कहीं उसी केस की तरीके से है। अगर हम इस वायर को जरा सा, इस वायर को हम लोग जरा सा स्ट्रेच करके देखें, इस वायर को यहीं से स्ट्रेच कर दें तो आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे R A B, ये A हो गया, ये B हो गया, ये B है, ये A है, ये आपका 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 3 ओम है, 6 ओम है। कैसे हुआ ये देखिए, कुछ नहीं हमने किया, हमने कुछ भी नहीं किया, बस यहीं से इस वायर को ऐसे पकड़ के खींच दिया, ये वायर ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया और ये हमारा जनरली क्या है, इनको हमने स्ट्रेच कर दिया, मतलब इसको थोड़ा ऐसे खींच दिया, बढ़ा दिया, तो ये 2 और 3, 2 और 4 इस तरीके से हो गया, 3 उसके पैरल में और 6 यहाँ, ठीक है ना। तो कुछ भी इसमें और उसमें अंतर नहीं है, वायर है, कहीं भी खींच के आप ले जा सकते हैं, बस ध्यान रहे कि कोई भी रॉन्ग कनेक्शन ना होने पाए, जो जैसा कनेक्शन है कनेक्शन वैसा ही रहे, कभी कोई किसी पे ओवरलैप ना हो जाए, मीन शॉर्ट सर्किट कहीं पे ना हो, मतलब हमें, हमारे पास ऑप्शन होता है कि ये वायर हमारे अपने अंडर में हम जैसा चाहें इस वायर को स्ट्रेच करके अपने फैशन में इसका कनेक्शन दिखा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप ब्रिज को ब्रिज के फॉर्म में देखते हैं, उसको चाहो तो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो अपना अलग अलग तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का, आप उसको कर सकते हैं। जैसे मैं एक ब्रिज का क्वेश्चन छोटा सा ले लेता हूँ, एक छोटा सा ब्रिज का क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे ये चीज़ बेसिकली होने वाली है। मान लीजिए यहाँ कोई बैटरी है या नहीं है, हमसे नहीं मतलब है, यहाँ पे अगर ये शॉर्ट सर्किट होता तो अलग केस होता, शॉर्ट सर्किट नहीं है तो अलग केस है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं जब ये ओपन सर्किट है, अभी शॉर्ट सर्किट वाला भी केस लेते हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो कैसा होगा, ठीक है। ये हम लोग ब्रिज का केस फर्स्ट ले लेते हैं, अगर ऐसा रेजिस्टेंस है तो आप देखो, ऐसा रेजिस्टेंस है तो आप क्या देखोगे, इसको आप इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसका तरीका और क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं, इसके और भी तरीके हो सकते हैं और वो तरीका क्या होगा इसी के कनेक्शन का। ये आपको कुछ ब्रिज के फॉर्म में दिख रहा है, ब्रिज भी बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। अब ये ए और बी को ऐसे पीछे की तरफ खींच लीजिए, कोई दिक्कत है, ऐसे पीछे खींच लीजिए, मतलब अगर हम ऐसे कर लें और इसको थोड़ा सा सीधा कर लें तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये हमारा ए है, ये बी है, यहाँ बीच में भी कनेक्शन था तो हमने उसे हटा दिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ बीच में भी कनेक्शन था तो ये आपका हो गया 2 ओम, ये 1 ओम, ये 4 ओम और ये 2 ओम, ठीक है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट पूछा है, ए और बी के बीच में क्या पूछा है, इक्विवेलेंट, तो हमें ये पता है ये दोनों किस क्रम में है, सीरीज में है, तो सीरीज इसका कितना हो जाएगा 3 ओम, तो हम इसका सीरीज देखते हैं 3 ओम और इसका सीरीज दोनों ऐड करेंगे तो 6 ओम और 3 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में है तो R A B बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 6/9,
9 इज इक्वल टू 2 ओम, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बेसिकली। आई होप आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करिए। मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक वगैरह सारी चीज़ें बता दी हैं, हमारे जो लिंक है चैनल का, आप उस लिंक पे जा करके इजीली आप हमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन अपने भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, और हमसे आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दूंगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग फिर और अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा वीडियो, पढ़ाए गए टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।